बेटा जो है ना वो हस्बैंड जो है एक्स हस्बैंड शाह सब वो घर में आ गए थे और बड़ी बदतमीजी वगैरह की, मुझे टॉर्चर करना बच्चों को, बच्चों की वजह से कि बच्चे ले जाऊंगा ये वो सब टॉर्चर करना सब कुछ किया। खैर फिर मेरी इमिजिएटली सिस्टर ज़ारा से बात करवाई गई, तो शाह साहब कुछ पढ़ नहीं सकते थे, फिर आपकी इजाज़त के बाद उन्होंने मुझे बसरी वजीफ़ा दे दिया 636। तो शाह साहब उसके बाद जो एक्स हस्बैंड है वो खामोश भी हो गए हैं, और क्या नाम है उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी हो गई है शाह साहब। रात को 4 बजे मेरे दरवाजे पे राशन का कार्टन रखे गए हैं, वो जो इंसान पहले मुझे गोली मारने के लिए गन निकाली थी मेरे घर में घुस के शाह साहब, बसरी जो है ना, उसने उसके बाद मतलब वजीफा में मैंने 3-4 दिन हुए हैं हाँ बसरी का यही है, जी, बसरी और वर्क्स, उन्होंने बसरी राशन भेजा वर्क्स, बसरी जी। और शाह वर्क्स। साहब इतना राशन अभी मैंने 7 मई से शाह साहब बसरी वजीफा किया है और अभी 7 जून नहीं हुई, यानी महीना नहीं हुआ, बीच में मेरी अपनी तबीयत भी खराब थी, पीरियड्स वगैरह तो वो भी रुका। शाह साहब इतना मेरे यहाँ राशन आया है माशाल्लाह माशाल्लाह से कि मैंने अपनी मासी को भी बांटा, क्योंकि जो चीज़ें खराब होने वाली होती है ना दाल वगैरह जिनमें कीड़ा लगता है वो मैंने ज्यादा स्टॉक नहीं किया, अम्मी को भी दिया, और शाह साहब एक और बेवा वगैरह है मेरी दोस्त हैं उनके यहाँ भी मैंने वो राशन भेजा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरा राशन बिल है, मैंने बस 112211 जो मेरा राशन का वो है जगह है ना जहाँ पे सारी ग्रोसरी में रखती हूँ वहाँ 112211 कर दिया, तो शायद सब वो क्या बात है, ओवरफ्लो हुआ है माशाल्लाह से सब कुछ। क्या बात है।